खबर मध्य प्रदेश से है। खबर मध्य प्रदेश के तीन बिटियन के संघर्ष से जुड़ी है। संघर्ष जहां बिटियन के मां के हत्या कई दिन गए और हत्यारा के खिलाफ बिटियन के संघर्ष के कहानी सामने आई, जहां 40 दिन में तीनों बिटिये मिलकर खुद सबूत जुटाएं और हत्यारा का आरोपी का पुलिस तक सौंपी। बड़ी बात यह है कि हत्यारा के वौर नहीं बल्कि ये बिटियन के खुद पिता शामिल रहा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सबजने का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि मध्य प्रदेश में या बिटियन के संघर्ष के अनोखी कहानी देखने को मिली। बता दें कि हाँ, 40 दिन में सबूत जुटाए के बिटियन के द्वारा पुलिस के सौंपा गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी का गिरफ्तार कर लेने। बता दें कि मां का न्याय दिलावे खातिर बिटियन के यह अनूठा संघर्ष देखने का मिला। घटना के बाद पिता और परिजन के द्वारा दावा किए गए कि बिटियन की जो मां रही उनका हार्ट अटैक से मृत्यु भय रही। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के लक्षण मिले रहे। वह जब मुद्दा का उठावा गया, बिटियन का जहर के मामले की जानकारी मिली, तो बिटिये मामला के तह तक जाए का सोच लेन और खुद मामला के छानबीन शुरू कर दिन। बताए दे के बतावा जाता है कि 40 दिन में 700 किलोमीटर की यात्रा बिटियन के द्वारा की गए और सबूत जुटाए गए। गुरुवार का यह सबूत पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का सौंप के बिटियन के द्वारा कहा गया कि उनका पिता उनके मां के हत्यारा ही। बता दी कि पूरी घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई है, जहां तीन बिटिये अपने मां के हत्यारे का सलाखन के पीछे पहुंचावे खातिर संघर्ष करें। संघर्ष 40 दिन के रहा, जहां 700 किलोमीटर की यात्रा करें और पूरा सबूत जुटाएं और आखिरकार मां अपने हत्यारे पिता का पुलिस तक पहुंचा दें। बता दें कि बतावा जाता है कि 18 सितंबर का संस्कृत कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर गौरी सोलंकी के चोइथराम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई रही, जबकि मौत के कारण जो रहा हार्ट अटैक बतावा गया। वह दो दिन के बाद गौरी के बिटियन के नज़र जो रही एक छपे अखबार में पड़ी, जहां उनका पता चला कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जहर के घलाए बात कही गई है। बस बिटियन के दिमाग में जहन में ये बात घुस गए और बिटिये ठान लेन के अब मां के हत्यारा का सलाखन के पीछे पहुँचावे का है। बता दी कि मामले में ही बता दें कि बिटिया जौन रही उल्टी से सना कपड़ा ढूंढ निकाली। बिटियन के कहा है कि मां का जहर खिलाए के बाद उल्टी खिलाए भय पै पिता के द्वारा गाड़ी साफ कई दिन के सबूत मिटावे की कोशिश की गए। वह अस्पताल बजावा जाते कि सिर्फ 10 मिनट के दूरी में घटनास्थल से अस्पताल रहा, बावजूद है कि आरोप घटना का छुपावे खातिर करीब एक घंटा तक एक कहीं कई करे के बाद महिला का अस्पताल पहुंचावा गया, जहां आखिरकार महिला के दम टूट गया। बताया दें कि महिला के बिटियन के आरोप है कि पिता मां का पूरी तरीके से बेहोश करे तक घुमावत रहे, जब काहे से कि मां मौत के पहले के बयान न दे पावे। बताया दें कि साइबर एक्सपर्ट से बिटियन के द्वारा डाटा निकलवावा गया और पूरी छानबीन कई के सबूत जुटावागा पिता के खिलाफ, जिसके बाद आखिरकार पिता का सलाखन के पीछे पहुंचावे में बिटियन का सफलता मिली। बता दें कि बिटियन के मुताबिक शादी से पहले जो रही उनकर मां टीचर रही, जबकि पापा बेरोजगार रहे। मां के मदद से बिटियन के पिता अधिकारी बने और बेटा नहीं हो के हमेशा उलाहना देते रहे। अवैध संबंधन में आपत्ति उठाए पर माँ के साथ मारपीट करे की घटना बताई जाती, जिसके बाद माँ के द्वारा थाना में शिकायत घलाई दर्ज करवाई गई रही। तब कार्रवाई नहीं भय, कार्रवाई इससे नहीं भय, काहे से कि जो पिता रहे वो महिला सशक्तिकरण अधिकारी रहे। महिला सशक्तिकरण अधिकारी खुद अपने पत्नी के हत्या कई दिन। बात यह है कि हाँ, महिला सशक्तिकरण में घलाए सवाल उठाते कि महिला सशक्तिकरण अधिकारी जो रहे महिला के खुद हत्या कर रहे हैं, महिला के वौर नहीं बल्कि उनकर पत्नी आई। वहीं अगर बिटियन के द्वारा अगर ये मामला का छोटे से सबूत में अगर बिटियन की निगाह न जात, तो शायद हत्यारा पिता जो रहा कब सलाखन के पीछे पहुँच न पावत। और एक आरोपी हमेशा अपराध का अंजाम करे के बावजूद सजा न पाए पावत। तो बिटियन के भूमिका बड़ी रही और सराहनीय भूमिका रही, जहां खुद अपने मां का न्याय दिलावे खातिर अपने पिता का सलाखन के पीछे यह पहुंचाई नहीं। बेहतर दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।